Hey guys, welcome back to another video. Guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं Free Fire. और जी हाँ guys, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं 1v1. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी रुकावट के. आज मैं एक ऐसे बंदे के साथ 1v1 करने जा रहा हूँ जो अपने आप को बहुत ही बनता है. उसको मैंने बहुत बार हरा रखा है लेकिन तब भी वो बात नहीं मानता है. तो कोई नहीं, आज हम फिर से पूरी कोशिश करेंगे उसे हराने की. देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है. पहले हम आ गए हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी के इधर साइड में. मैं सोच रहा था कि इधर खेलते हैं 1v1. यहाँ पे मेरा पिंग पहुँच चुका है 500. भाई भाई सही हो जा, मत करना चाहिए भाई. कतई फाइबर लगा रखा है लेकिन बात ही नहीं मानते हैं. इतना तगड़ा पिंग चलाते हैं इनका 99+. अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या वो आएगा नहीं आएगा, लेकिन आने का नाम ही नहीं ले रहा. वो साइड से घूम के आ रहा है और मैं यहाँ पे मजे में खड़ा हूँ उसके लिए. और वहाँ से पीछे से फायर आया, मैंने इधर ग्लू वॉल लगाई है. अब वो इधर आएगा और यहाँ गलती से मेरे पे लग गया वो कॉन्ग. वैसे मैं वो कॉन्ग का बहुत अच्छी तरह यूज़ करता हूँ लेकिन इस समय ये गलत हो गया था क्योंकि गलती से टैप हो गया था ये. मैं यहाँ से पीछे से आने के लिए खेलूँगा तो वो उधर से आएगा. इस गेम में थोड़ा दिमाग लगा के खेलना चाहिए. अगर तुम मूवमेंट नहीं कर सकते तुम दिमाग लगाओ. ये देखो कॉन्ग बन के आया और यहाँ लेट के हमला कह रहा. ओ भाई बच गया बच गया बच गया. ये पबजी वाला सीख रखा है. पबजी में लेट के मारते हैं सांप बन के, तो हम भी सांप बनेंगे भाई. हमने भी मारना सीखा है भाई, हमने भी पबजी खेली ऐसी ऐसी. सॉरी भाई, BGMI पबजी तो चला गया है. तो अभी यहाँ पे ये भी लेट चुका है, ये भी सांप बन चुका है लेकिन हम थोड़ी ना छोड़ेंगे. यहाँ सांप हम बनते हैं और तुम भी सांप बन रहे हो यार. कैसी बात करते हो तुम भी यार. अब हम आ गए अपने सेकंड राउंड में. एक मेरा हो गया और सामने उसका हो गया है 0. अब मैं क्या लूँ, लॉन्ग रेंज कर लूँगी. वैसे AC-80 से काफ़ी अच्छे हेड लगते हैं तो मैं AC-80 ले लेता हूँ. बेस्ट ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ. और एक थोड़ा रिपेयर करने के लिए भी काम चाहिए ना. मेरे पास रखा हुआ था वेस्ट, इसीलिए हेलमेट लेके मैंने एक रिपेयर किट ले ली. तो अब मैं AC-80 से खेलूँगा. देखते हैं जीतता हूँ कि हारता हूँ. मैं वैसे मैं सोच रहा हूँ कि लॉन्ग रेंज में खेलूँ क्योंकि मेरे पास AC-80. और फिर गलती से वो कॉन्ग टैप हो गया है, मतलब वो कॉन्ग की शक्ति अब गई और अब बिना स्किल के मुझे खेलना पड़ेगा. F-44 और 67 का डैमेज लग गया, मतलब 100 के ऊपर डैमेज लग चुका है. लेकिन उसके बाद शायद वो लॉन्ग रेंज में नहीं खेल रहा, शॉर्ट रेंज में आने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास मेरे हिसाब से M10 है. तो मुझे लॉन्ग रेंज में ही खेलना पड़ेगा क्योंकि देखो वो ग्लू वॉल लगा के आ रहा है, मतलब उसके पास कोई शॉर्ट रेंज की गन है. तो मुझे लॉन्ग रेंज में ही खेलना पड़ेगा. और 67 का डैमेज लग रहा है, अगर एक और लगता तो 100 का डैमेज लगता है. वो रश कर रहा है, वो उसके पास पक्का M10 या फिर M187 शॉट गन होगी. अरे यार एक गोली का बचा था. शिट यार एक गोली का ही था. 35 बची थी डैमेज उसकी. कोई नहीं, एक से बराबर, कोई नहीं, झेल लेंगे थोड़ा सा. उसके पास M10 थी और मुझे लॉन्ग रेंज में खेलना था. मेरे से गलती होगी लेकिन कोई बात नहीं, चलो खेल लेगा वो भी शॉर्ट रेंज में. एक बराबर है, कोई नहीं. अब मैं भी M10 ले लेता हूँ क्योंकि लॉन्ग रेंज का फ़ायदा नहीं है, शॉर्ट रेंज में खेलना पड़ेगा क्योंकि ग्लू वॉल अनलिमिटेड है. तो लॉन्ग रेंज का फ़ायदा क्या है, जो शॉर्ट रेंज में खेलना पड़ेगा. अब आ गए हम अपने थर्ड राउंड की तरफ और थर्ड राउंड में मैंने ले लिया M10. तो हम लेंगे शॉर्ट रेंज में, मतलब USP से थोड़ी ना एड मारेंगे. अब वो भी शॉर्ट रेंज में आ चुका है, थोड़ा सा पीछे सर भी पीछे जाना पड़ेगा वरना चड्डू उतार देगा मेरी. आया तो नहीं साइड से, आ रहा है ग्लू वॉल लगाते हुए आ रहा है. दो गोली पड़ गई. अबे यार तीन गोली पड़ी यार उसको, भाई साहब. अच्छा Level 3 का था उस पर वेस्ट, कोई नहीं. लेकिन यार तीन गोली मार दी M10 में, यही बात है. पूरी गोली लग गई तो दो गोली में गया, वरना तो 5-6 गोली सूट दो लेकिन कुछ नहीं होने का उसको. यही बात है यार, यही सही लगता है. लेकिन कोई बात नहीं, हम भी वैसे लेके ले लेंगे ग्लू वॉल. हम भी शॉर्ट रेंज में खेलेंगे. लॉन्ग रेंज के लिए मुझे AC-80 चाहिए या फिर अपनी AWM PRAC. लेकिन AWM नहीं खेल सकते क्योंकि उसने मना करा है. AWM पता है ना हम कैसे खेलते हैं. AWM में तो पहाड़ी से भी खतरा के. अरे नहीं, जाके तुम जाके उसको बोलोगे भाई तू ये नू बता रहा है, ऐसी बात नहीं है दो बच्चे. अरे भाई मैं चला लेता हूँ ठीक ठाक, इतना भी खतरनाक नहीं चलाता लेकिन चला लेता. मैंने जब से ये बीच में ये पेट वाला लगाया है ना तो पता चल जाता है, तो मैं चला लेता हूँ.
और उसने मार दिया इसी हट्टी से खतरनाक वाला। मैं बावड़ा हूँ, खुले आम खड़ा हूँ, मार ले तू आके, मार ले मुझे, मार ले छाती पे, मार दे तू। और लगा लेते हैं थोड़ी सी, सामने वो लॉन्ग रेंज में खेल रहा है क्योंकि उसके पास एसी एटी है, उसको पता है मैं M10 लेके आ रहा हूँ, उसको पता है मैं लॉन्ग रेंज में नहीं खेल सकता, शॉर्ट रेंज में नहीं खेलूँगा, तो USP से थोड़ी ना मारूँगा। तो कोई बात नहीं, देखते हैं वो मार, देखो फिर डैमेज दिया उसने एसी एटी का, काफ़ी सही डैमेज, और हेड भी काफ़ी खतरनाक लगते हैं उसका, थोड़ा सा एक्यूरेसी कम है लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, पता है कोई नहीं, हम USP से ही मारेंगे, जब लॉन्ग रेंज खेल रहा है 4-5 का डैमेज देंगे। कोई नहीं, आ जाओ शॉर्ट रेंज में आए, वही अभी भी लॉन्ग रेंज में खेला, मतलब कोई शर्म याद नहीं है लॉन्ग रेंज में। अभी यहाँ पे आ गया शॉर्ट रेंज में, उसको पता नहीं लॉन्ग में, पर डबल रेंज है तब भी इसकी रेंज कम है, डबल रेंज है तब भी, इसको यहाँ ग्लू वॉल से पैक कर देता हूँ। हाँ सही है, ग्लू वॉल से पैक कर देता हूँ। वैसे उधर हल्की सी जगह है लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं निकलेगा वो, और फंस गया भाई, गया एलिमिनेट, 3-2-1 ओ भाई एलिमिनेट, भाई गया। दो से मैच बराबर कर दिया तुम्हारे भाई ने, एक बार तो एलिमिनेट करवा दिया दिमाग से। देखो ये गेम दिमाग से खेलना चाहिए। अब तुम में से बहुत लोग कहोगे भाई तू कस्टम खेल रहा है, तू हेड मार के खेल या तू रॉक FF की तरह की डायरेक्ट मार छाती पे। भाई देख गेम खेला जाता है दिमाग से, तुम दिमाग से खेलो, तुम छाती पे चढ़ के क्या कर लोगे, ठीक है, गेम दिमाग के साथ खेलना होता है, ठीक है, तुम दिमाग लगा के खेलो। अब तुम कहोगे भाई तू पैक करके मार रहा है तो तू चीटर है, ये चीटर वाली बात नहीं होती, ठीक है। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे, अब देखो ग्लू वॉल लगा दिए, अब मैं पीछे आ गया हूँ, अब आप इससे सीख सकते हो कि अब मैंने आगे ग्लू वॉल लगाई है, मैं दीवार को आपके पीछे आया हूँ कि उसको लगे कि हाँ मैं ग्लू वॉल के बीच हूँ, लेकिन फिर वो रश करेगा और जब मारेगा तो मतलब ऐसे ही, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही होगा। अभी तो इसको पता है क्योंकि मैं बहुत बार इसके साथ कर चुका हूँ ये, तो इसको पता है मैं यहाँ से मारने की कोशिश करूँगा, इसको पता नहीं है कि मैं ऊपर आ गया हूँ और ये नीचे ही मजे ले रहा है अपनी ज़िंदगी के, मैं नीचे जाऊँगा तो तुम्हें उड़ा देगा, तो मुझे आराम से ऊपर रह के दिमाग से खेलना, वो खुद ऊपर आएगा क्योंकि उसको ऊपर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वो कॉन्ग लगाऊंगा, अब मैंने ले लिया M10 और मेरे पास पता है लेट लिया, लेकिन बिना लेटे भी काम हो गया, क्योंकि लेट किया था तब भी काम हो गया था मेरा। तो अब हो गया 5 राउंड में आ गए और मेरे 3 और उसके 2 पॉइंट। अब यहाँ पे मेरे पास CT और M10 भी है, मैं थोड़ी बहुत रिपेयर किट मशरूम ले लूँगा, लेवल 2 या लेवल 3 वाली जितनी जो भी है, और साथ में ले लेंगे अपना देसी कट्टा मतलब डेजर्ट ईगल। और अब मैं आगे जाके रश तो नहीं करूँगा, वैसे मैं देखता हूँ ऊपर थोड़ा बहुत, मैं दिमाग लगाना चाहिए, मैं भी यहाँ पे दिमाग लगा के देखता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट से जाऊँ, जैसे मैं क्लैश कॉर्ड में करता हूँ हमेशा क्लॉक टावर के मैं लेफ्ट में आता हूँ, अगर अब मैं आपके कभी मैच में हूँ तो क्लॉक टावर में लेफ्ट में आ जाना, मुझे उड़ा देना, कोई नहीं। कोई बात नहीं, ऐसा कोई बोलता है नहीं, बोलता है ना, अरे हम तो क्या रहता है। यहाँ पे ग्लू वॉल लगा देता हूँ, है कहाँ वो है, अरे वो मास्टर जी सेटअप, अबे यार ये ग्लू वॉल मांग रहा है, मैं ग्लू वॉल कहाँ से दूँ, मेरे पास एक ही ग्लू वॉल है, अपन कैसे दे ग्लू वॉल भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार मना करने की, कैसे दूँ कैसे दूँ, बस है ही नहीं ग्लू वॉल, क्या दूँ भाई, कैसे दूँ सर जी मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है, पता चल गया मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है, अगर होता तो मैं दे देता, अब मेरे पास है ही नहीं, मैं करूँ क्या, व्हाट कैन आई डू। यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के बताना चाह रहा हूँ, अब इमोट दिखा देते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी भाई, लॉली मोड भी खा रहा है, हद है भाई साहब यार। एक तो ये बताओ ग्लू वॉल के अंदर कैसे आया, दूसरी बात चलो भाई मैं ग्लू वॉल नहीं दे रहा, तू वही गुस्सा क्यों हो रहा है यार, तू मारने पे आ रहा ऊपर से लॉली मोड भी दिखा रहा है, यार गरीना वाला तुम्हारे क्या नशे हैं यार, तुम क्या क्या पी के पैदा हुए हो, क्या है ये ग्लू वॉल के अंदर कैसे आ रहा है, वो ग्लू वॉल है किस लिए भाई, मैंने पैक कर दिया वो आ रहा इल्यूमिनाटी बन के, अरे भाई साहब भगवान है क्या यार, भगवान के भूत है, भरोसा नहीं है भाई, पता चले हैक वूक लगा के आ रहा है वो मेरे से लड़ने,
तीन दिन बराबर कर दिए। भाई बदला, ओपी बोलते हैं बदला कहते हैं भाई, बदला से बदला कहते हैं ठीक है, हेड बोलती है। मैं कह रहा था इसी अट्टे के बहुत तगड़े वाले वन टैप लगते हैं, कूद के मारोगे तब लगता है। बदला तो ले लिया अपन ने अब तो इमोट, जो इमोट दिखाते ना ऊपर से लॉल इमोट, फिर तो इतने इमोट मिलेंगे ना, फिर तो वही पार्टी पार्टी होगी, इमोट की इमोट पार्टी इवेंट चला देंगे, जितने इमोटे सारे दिखा देंगे भाई साहब। अब मैंने ले लिया है, अब भाई उसे चाहिए वरना गुस्सा हो जाएगा, आ जाएगा मारन एंटन दिखा देगा, अब तो नहीं देने का भाई, अब नहीं पढ़ने का उसके फांसे में। वो भाई तगड़ा इंसान है यार, शूटर कितना बड़ा है वो, अब दे रहा है मुझे ग्लू वॉल, मैं उसको ग्लू वॉल नहीं दे सकता भाई, मेरे पास ग्लू वॉल नहीं है। और मेरे माथे पे मार रहा है वो एंटन हद है भाई साहब, मतलब भाई अब तो वैसे भी मार सकता है तो वैसी क्या बताऊँ। कोई नहीं, अभी हम यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने सेवेंथ राउंड पे, और ये मैच जीतने के लिए 6 राउंड जीतने हो गए, मुझे 2 राउंड चाहिए, उसको चाहिए 3 राउंड, और वो मुझे पता चल गया है उधर ही होगा गेट के, और क्योंकि वरना अभी तक कर देता, देखो गेट के उधर है। थोड़ा दिमाग ला के खेलना चाहिए, तभी आप लोग कस्टम जीत सकते हो। अब आप रश करके खेलोगे, रश करना बुरी बात नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत दिमाग ला कर खेलना। आप देखो मुझे पता तो वो साइड से ही आएगा, इसलिए मैं इधर आ गया, उसको नहीं पता, अब उसको पता चल गया क्योंकि वो दिख गया था, उससे आवाज़ आ गई थी मेरे गन के साउंड की। अब वो ग्लू वॉल के पीछे अपन ने लगा लिया वुकोंग, वो भी बोलते 2 गोली पड़ गई, 1 गोली हो गया। अरे यार छिट, उठ जा भाई उठ जा मेरे लाल, एक तो लेट जाता है ठीक है, लेकिन उठने में इतना टाइम लगा देता है। अब ये एलिमिनेट होगा क्या है? अरे भाई एलिमिनेट, कोई शर्म ही नहीं है भाई, एलिमिनेट हो रहे हो तुम, मान लिया तुम्हें, मेरे पास नहीं आना तुम्हें डर लग रहा है, एलिमिनेट ना हो यार, किल दे दो अपनी फ्री में, कोई नहीं। चलो अब हम आ गए अपनी 8th राउंड पर, और ये मैच मुझे जीतना ही पड़ेगा और ना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, अभी 12 मिनट की बन चुकी है, ऐसे करीब आधे घंटे नहीं आधा घंटा नहीं, ऐसे 20 मिनट की, तो थोड़ा बहुत ट्रिम करके बनाना पड़ता है यार। तो अब यहाँ पे मुझे जीतना होगा ये वाला राउंड, और इस वाले राउंड को जीतने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा अपना 20 किलो का बुद्धि। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मजाक चलता है, 20 किलो का बुद्धि लगाना पड़ेगा अपने को, और वो आ रहा है रश करने, उसके बाद मेरे साथ M10 होगी, और अपने पास भी M10 है, 2 गोली खेले में, 1 गोली 2 गोली लग गई है, 2 गोली लग गई है, रश करना पड़ेगा, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, बाय बाय गाइस, आज की वीडियो में बाय बाय, साइन अलग अलग।